अरे भाई, तू मोबाइल से इतना अच्छा फोटो खींचता है, तू फोटोग्राफी क्यों नहीं कर लेता? हाँ भाई, दिल तो करता है, लेकिन इसके लिए तो अच्छा कैमरा लगेगा। पापा से तो बहुत बोल के एक आईफोन ही लिया, और अब कैमरे के लिए बोलूँगा तो बहुत डांटेगा। तो आप क्या प्लान है फ्यूचर का? सोच रहा हूँ कि कैमरा खरीद लूँगा। थोड़ा पैसा है मेरे पास, कितना? 50-60 हज़ार के आसपास होंगे। एक सेकेंड हैंड कैमरा आ जाएगा। राजेश भाई, घर पे बुला रहे। ठीक है भाई, आज चलता हूँ, कल मिलेंगे। ठीक है भाई, तू चल, मैं आता हूँ। फोटोग्राफी फोटोग्राफी का शौक मुझे बचपन से ही था, जब मुझे एक बार कैमरा मिला था, हाँ मेरे एक मामा का। तभी से अच्छा लगता है फोटोग्राफी करना, और सपने भी बन गया एक बड़ा फोटोग्राफर बनने का। और मैं बस इंतज़ार करता रहा उस दिन का, और मुझे पता नहीं चला कि वो दिन बहुत पास आ चुका है कि मैं भी फोटोग्राफर बनूंगा। और मैंने फाइनली डिसाइड भी कर लिया कि शहर जाऊंगा, वहाँ पर फोटोग्राफी सीखूंगा और एक बड़ा फोटोग्राफर बनूंगा। हाँ भाई, मुझे बुलाया था। हाँ भाई, सोच रहा हूँ कि कल शहर जाऊँगा। अचानक शहर क्यों? जो कल बोला था ना कैमरा के लिए, मिल गया। कल रात फेसबुक पे एक लड़के से बात हुआ, उसने बोला कि 60 हज़ार में कैमरा मिल जाएगा एकदम सेकंड हैंड। फेसबुक पे बात हुआ तो चला जाएगा? अरे भाई, मैंने अच्छे से बात किया, उसने बोला कि फोटोग्राफी का काम भी सिखाएगा। विश्वजीत भाई बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है जा, लेकिन मैं मना नहीं करूँगा, मुझे भी कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है। ठीक है, टेंशन मत ले, मैं कल तुझे टेंशन छोड़ने आ जाऊँगा। ठीक है? ठीक है। उस दिन रात को बहुत टेंशन हो रहा था, और घर वालों से भी थोड़ा झगड़ा हो गया था शहर जाने के लिए। पापा नहीं मान रहे थे और बहुत टेंशन में था, तो मैंने विश्वजीत भाई से पूछ ही लिया कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, तो उसने बोला नहीं तुम आ जाओ, तो थोड़ा अच्छा भी लगा। और ये भी खुश था कि एक नया जर्नी होगा, हम भी फोटोग्राफर बनूंगा और उस दिन सबको दिखाऊंगा कि फोटोग्राफी करके भी बहुत कुछ किया जा सकता है। पैसा ठीक ठाक रख लिया ना? अच्छे से रहना, पहुंचते ही मुझे कॉल करना। ठीक है? ले कुछ पैसे। इसकी क्या जरूरत थी? रख ले, जरूरत पड़ेगा। चल दिना कहना गया। Thank you.
मैंने फाइनली शहर पहुंच ही गया और बहुत एक्साइटमेंट भी हो रहा था कि नया जर्नी, नया शहर और नया काम, नया लोग, मतलब बहुत कुछ। तो अब मैं इस शहर में रहूँगा ये सोच के ही बहुत खुशी हो रहा था। तो मैंने विश्वजीत भाई को फ़ोन किया कैमरा के लिए। हाँ भाई, मैं पहुँच गया, आप कहाँ पर हो? हाँ मैं थोड़ा बिजी हूँ। हाँ मैं एक भाई को भेज रहा हूँ, उसके पास कैमरा ले लो। कैमरा सब ठीक ठाक है? ठीक है, मैं कैमरा लेके आपसे मिलता हूँ। हाँ हेलो। ओ भाई इधर इधर। आप हो? ठीक है, आप ही हो क्या? हाँ विश्वजीत भाई ने भेजा कैमरा के लिए। ए लो आपका कैमरा। भाई पैसा? हाँ देता हूँ, रख दो। ठीक है मैं चलता हूँ। तो फाइनली मुझे अपना कैमरा मिल गया, तो मैं बहुत खुश था कि आप मैं अपना सपने को पूरा करूंगा और सबको दिखाऊंगा कि फोटोग्राफी करके बहुत कुछ किया जा सकता है। तो मैं बस कैमरा लेके विश्वजीत भाई से मिलने चला गया। हाँ भाई एक प्रॉब्लम हो गया। क्या हुआ? मेरा कैमरा का बैग चोरी हो गया। आप लोकेशन भेजो, मैं आपसे मिलता हूँ। ठीक है आ जाओ। कैसे चोरी हुआ? मुझे पता नहीं, मैं बस पानी खरीदने गया था और आके देखा बैग वहाँ नहीं था। अब क्या करोगे? मुझे बस थोड़ा काम सिखा दो, मैं काम सीख के घर चला जाऊँगा। कैमरे के बिना कैसे काम सिखाऊँगा? देखो और एक कैमरा खरीद सकते हो कि नहीं। और एक कैमरा? आपको पता है मैं कितना मेहनत से पैसे जमाया था कैमरे के लिए, और पैसा नहीं है मेरे पास। देखो भाई मैं कैमरे के बिना हेल्प नहीं कर सकता हूँ, आप गांव चले जाओ। तो हमें लाइट तो मेरा है। We'll be right back.
देखो भाई बैग दे दो, हम मिडिल क्लास लोग हैं, बहुत मेहनत से पैसा कमाया और उस पैसे से कैमरा खरीदा, प्लीज़ बैग दे दो। तुझे क्या लगा था तो गांव से आएगा और मैं तुझे काम सिखाऊंगा? ये शहर है, यहाँ काला धंधा चलता है, आसान भाषा में बोलूँ तो ये ब्लैक सिटी। तेरा सब कुछ ठीक था, तेरा धंधा भी और प्लान भी, लेकिन बस एक गलती कर दी, तू बंदा गलत चुन लिया। अब तेरा धंधा का फुल स्टॉप मैं लगाऊंगा। और उसके बाद क्या, मुझे अपना कैमरा मिल गया और उसका काला धंधा वही खत्म हो गया।